नमस्कार दोस्तों, ये मेरा एक डमी अकाउंट है जिसको मैं सिक्योर करके बताऊंगा कि इंस्टाग्राम को किस प्रकार से सिक्योर किया जाता है। ठीक है, अपने को चलना है 3 डॉट पे, जो आपको ये 3 डॉट दिखाई दे रहा है इस पे जाना है। ठीक है, इस पे जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन होगा, वहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। यानी कि आप जैसे ही सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन शो होंगे। तो आपको सेटिंग्स में से सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा, जिसमें से आप लॉगिन एक्टिविटी में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन कहाँ कहाँ ऑन है। इसमें आप सेव लॉगिन, सेव फ़ोन नंबर ऑन कर सकते हैं, यानी कि जब भी आपका फ़ोन कहीं लॉगिन होगा तो उसका आपको इजी वे में पता चल जाएगा कि मेरा फ़ोन किस किसने लॉगिन किया। ठीक है, तो उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो आपको क्या करना है कि गेट स्टार्ट, यानी कि मेरे नहीं है तो इस पर आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपसे 3 प्रकार के ऑप्शन पूछे जाएंगे, तो आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यानी आप ऑथेंटिकेशन ऐप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज भी कर रहे हैं। तो टेक्स्ट मैसेज पर करके आप अपना 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक कोड के बारे में पूछा जाएगा, जो आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड रिसीव होगा। वो कोड ऑन करके आप इजी वे के अंदर, जैसे ये मेरे पास कोड रिसीव हुआ है, मैं ये कोड डालूँगा। कोड डालने के बाद जो मेरा फ़ोन है उसको मैं 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दूंगा। ठीक है, ऑन होने के बाद क्या होगा, जब भी कोई आपका लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो आपसे कोड पूछा जाएगा। तो इस पर आप गेट व्हाट्सएप पे भी ऑन कर सकते हैं, यानी कि आपके व्हाट्सएप पे भी वो कोड रिसीव होता रहेगा। यानी कि कई बार टेक्स्ट मैसेज में दिक्कत आती है, तो एक ये कोड आता है जो कि रिकवरी कोड्स बोलते हैं, इनको भी आप सिक्योर और सेफ रख सकते हैं। यानी कि आप अपने जो ये कोड है, इन रिकवरी कोड्स को सेव रख सकते हैं, ये चेंज भी होते रहते हैं और ये आपके रिकवरी कोड होते हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ही इस प्रकार के ऑप्शन शो होंगे, जिसमें आप टेक्स्ट मैसेज किस पास आए, ऑथेंटिकेशन, व्हाट्सअप, जो भी है आप इस पर ऑन करके अपना सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन आता है कि आपका व्हाट्सअप है जो सिक्योरिटी चेकअप के लिए आपके इस प्रकार के 4 ऑप्शन खुलते हैं, जिनमें से आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट है तो ये रेड आर का ये रेड यहाँ से हट जाएगा, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि 4 होंगे तो आपके यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा, यानी कि आपका 100% सिक्योर एंड सेफ है। तो आपको ये भी चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने आता है ऐप एंड वेबसाइट, यानी कि कहीं आपका मोबाइल है जो कहीं दूसरी जगह लॉगिन है तो वो आपके यहाँ पे शो कर जाएगा कहीं अदर फ़ोन में। ठीक है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आपका फ़ोन कहाँ होना है। इसके बाद ये जो महत्वपूर्ण जानकारी, ये ध्यान रखें सेव लॉगिन वाली, क्योंकि इसमें आपका फ़ोन है जो अगर गलती से भी कोई ऑन करता है तो उसकी लॉगिन हिस्ट्री आपके फ़ोन में शो कर जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैंने आपको दी हैं, इनको सबसे ज़्यादा आप स्टेप को फॉलो कीजिए। अपने जो भी यूज़र इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, वो इंस्टाग्राम यूज़र इन चीज़ों का अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका फ़ोन कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। तो ये मेरा एक डमी अकाउंट था जो मैंने आपके लिए बनाया।